गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों. आई एम डॉक्टर संजय कालरा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर केके'स मेड टॉक्स थर्सडेज विद डॉक्टर संजय कालरा. आज के हमारे नॉन स्टॉप शो का 647वां एपिसोड है. लेट्स हैव द हेडलाइंस फॉर टुडे. नॉट सो गुड न्यूज एक्चुअली, बिकॉज इंडिया हैज रिपोर्टेड ओवर 3000 कोविड केसेस टुडे. And this is the first time in 46 days. 46 दिन के बाद ये 3000 का आंकड़ा हमने पार किया है. Not a good thing. For patients with cancer, a fifth COVID shot has been recommended. जिन लोगों को कैंसर है वो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो अब कहा जा रहा है कि वो एक फिफ्थ शॉट लगवाएं वैक्सीनेशन का, ताकि वो कोविड से, सीवियर कोविड से बचे रहें. In China, Shanghai's focus has shifted to vaccination of the elderly, another high-risk group. जो हमारे बुजुर्ग सिटीजन्स हैं, एल्डरली महिला, एल्डरली पुरुष हैं, दे आर ऑल्सो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड. सो एज न्यू केसेस डिक्लाइन, शंघाई इज फोकसिंग मोर ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स एल्डरली सिटीजन्स. दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेजेस विल बी पोस्टपोनिंग प्रैक्टिकल्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स अफेक्टेड विद कोविड-19. तो प्रैक्टिकल बाद में दे पाएंगे. एंड द प्राइम मिनिस्टर हैज सेड ड्यूरिंग हिज कोविड-19 मीटिंग विद चीफ मिनिस्टर्स दैट वी मस्ट प्रमोट मास्क एंड वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन. Another high risk and another priority group for us. So, of course, there are challenges, but we are taking action. हम action भी ले रहे हैं, लड़ रहे हैं COVID-19 से. And ये लड़ाई के बारे में बात करते हैं. Let's see what our topic for today is. Involving the family in diabetes care. Have we ever thought? हमने कभी सोचा है क्या कि जो डायबिटीज है वो एक इंसान की बीमारी है? इज इट अ डिजीज जस्ट ऑफ द इंडिविजुअल, या वो फैमिली की बीमारी है, या कम्युनिटी की, या पूरे देश की? इज डायबिटीज अ डिजीज ऑफ द इंडिविजुअल, ऑफ द फैमिली परिवार, और ऑफ द कम्युनिटी पूरे समाज की बीमारी है, और ऑफ द एंटायर कंट्री पूरे देश की बीमारी है? Once you begin thinking, we actually realize that diabetes to sabhi ko affect karti hai. And how does it affect the family? Let's answer the question by introducing our guest for today and asking her. Hamare aaj ke guest hain Miss Neera Satsangi ji. Warm welcome, madam. Namaskar, sir. Namaste ji. Neera ji completed her graduation in microbiology from the prestigious Indore University and then had 15 years experience in pharma as a business executive. And for the past 4 years, she has been working as a lead diabetes educator at Dr. Julka's Radiance, the Hormone Health Clinic in Indore. So, warm welcome, madam. Thank you so much, sir. So, first of all, Dr. Sanjay Kalra, sir, thank you so much. आपने मुझे मौका दिया आपके दर्शकों से रूबरू होने के लिए. और जैसा कि आपने मुझसे कहा कि डायबिटीज फैमिली या इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, जनरली जब हम पेशेंट को यहाँ देखते हैं तो जैसे ही पता चलता है डायबिटीज है तो सारी फैमिली हिल जाती है. उनको लगता है कि डायबिटीज मीन्स मतलब अब तो क्या होगा, बट ऐसा नहीं है. जनरली हम पेशेंट को यही समझाने की कोशिश करते हैं कि जहां आप इसको मैनेज करेंगे और आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, तो आप अपनी फैमिली के साथ रह के इस डायबिटीज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं. और आगे आने वाली जो जनरेशन होती है उनको भी आप अलर्ट कर सकते हैं. तो yes. जहां डायबिटीज है वहां सब है. हमने इंदौर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुन रखी हैं नीरा जी, एंड बहुत सारे लोग लॉग्ड इन हैं. डॉक्टर नूर आगा दानिश फ्रॉम अफगानिस्तान, वो आपको सलाम भेज रहे हैं. डॉक्टर एन एस शारदा सर फ्रॉम अहमदाबाद, ही सेंड्स यू हिज ब्लेसिंग्स. एंड डॉक्टर संजीव पुरी फ्रॉम दसुआ इन होशियारपुर इन पंजाब, वो आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं. अनामिका अनुजी हैं, स्वप्ना जैन जी फ्रॉम वेल्लोर इन तमिलनाडु, अरुणा त्यागी जी, एंड डॉक्टर आर एस चौधरी. डॉक्टर चौधरी सर सीनियर सर्जन हैं फ्रॉम करनाल इन हरियाणा, एंड डॉक्टर उत्सव साहू फ्रॉम न्यू दिल्ली, ये डायबिटोलॉजिस्ट हैं, और बिमला कपूर मैडम भी हैं. सर नमस्ते कर रहे हैं. एंड वी हैव हर्ड लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स अबाउट इंदौर, तो इंदौर की खासियत क्या है ये तो बताएं हमें पहले. सर इंदौर का दिन शुरू होता है पोहा और जलेबी से. शायद इंदौरी फूड से शुरू होता है और फूड पे ही जाके हमारा दिन कंप्लीट हो जाता है. तो अगर आप
बात करें तो शायद इंदौर एक अकेली ऐसी जगह होगी जहां पहले पोहा कचौरी आता है और उसके बाद सारा काम आता है। तो अगर आप इंदौर के बारे में पूछे तो मैं यही कहूंगी कि हम पोहा कचौरी से लेके छप्पन दुकान, सराफा, जॉनी हॉट डॉग, समोसा, कचौरी, देन हॉट डॉग, ये सब से शुरुआत होती है हमारी। और उसके बाद फूड एंड फूड एंड फूड सर। So Indore is food massage to everyone. Yeah. So Indore is famous for its food, very tasty food. It is the street food capital of India. And Dr. Noor Agha, Kabul se hai hamare sath roobaroo hue hain. So Kabul is also famous for its dry fruit. And Neena Agi ji hai from Karnal. So Neena Agi ji keh rahi hai ki Karnal ka zaika alag hai. But Indore ka zaika alag hai. And we must taste all zaikas, all fruit, all tastes. तो वन इज द फूड, एनीथिंग एल्स? इंदौर हमेशा नंबर वन आता है इंडिया की लिस्ट में, सिटी सूची में, वो क्या है? बिल्कुल सर, स्वच्छ भारत। तो अगर स्वच्छ भारत में भी नाम ले तो हम ऑलवेज वी आर नंबर वन। एंड डेफिनेटली वो चीज अब हमारे में आ चुकी है कि जब हम कहीं पे मतलब हमें कचरा भी अगर डस्टबिन नहीं भी मिल रहा हो तो वी कैरी, हम कचरा कैरी करते हैं साथ में कि जहाँ डस्टबिन दिखेगा वहीं हमको इसे डालना है। तो जैसे एक होता है ना कल, अब सफाई वाला बहुत अच्छा कल्चर आ गया। आप इंदौर देखेंगे तो स्वच्छता में नंबर वन है, अभी से नहीं पिछले 5-6 सालों से हम नंबर वन आ रहे हैं। और ऑलवेज हम चाहते हैं कि हमेशा नंबर वन रहे सर, क्योंकि जैसे हमारा फूड हम कहते नंबर वन है, वैसे हमारा इंदौर नंबर वन है स्वच्छता के लिए। ये जो स्वच्छता है या सफाई या क्लीनलीनेस या हाइजीन, इसमें हाउ डिड इंदौर बिकम नंबर वन? वाज इट ड्यू टू वन इंडिविजुअल और ड्यू टू द फैमिली और ड्यू टू द एंटायर कम्युनिटी? सर एंटायर कम्युनिटी, ये टीम वर्क है जहां हमारे जितने भी जो स्वच्छता अभियान में जितने भी हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता है या जितने भी हमारे इंडिविजुअल नगर निगम है उनके जो कार्यकर्ता है उन सबका बहुत योगदान है। साथ में उनका जो हमारे लिए जो था कि हमें सफाई रखना ही है इंदौर में, तो कहीं हर फैमिली की तरफ से भी एक था कि नहीं अगर हम सफाई रखेंगे तो हम हमारे ही घर को नहीं, हम पूरे इंदौर को सफाई में सफाई के लिए लेकर आ रहे हैं। तो जहाँ सफाई की बात आती है तो हम जनरली सोचते हैं हमारा घर साफ है, लेकिन अभी आप किसी भी इंदौरी से बात करेंगे तो वह कहेगा हमारा घर नहीं, हमको हमारे पूरे शहर को, हमारे मोहल्ले को, हमारी सिटी को, हमारी हर एक जगह को सफाई में रखना है। तो कहीं ना कहीं हम सबका टीम वर्क रहा है और ऑलवेज जहाँ टीम होती है वहाँ सक्सेस आना ही है। तो ये टीम वर्क था, हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा। अनीता जी और अंकुर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, saying good evening to you. So now let's compare, let us compare and maybe contrast diabetes care with स्वच्छता अभियान। तो जब हम सफाई की बात करते हैं, when we speak of clean इंदौर, smart इंदौर, मैडम ने क्या कहा कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनका बहुत योगदान है, ऐसे ही डायबिटीज केयर में जो डायबिटीज केयर प्रोवाइडर्स हैं, डायबिटीज एजुकेटर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका भी योगदान है। मगर मैडम ने ये कहा कि फाइनली हर एक फैमिली खड़ी हुई इन फेवर ऑफ सफाई, एंड जो उनकी मंशा थी वो सिर्फ यही नहीं थी कि मैं अपने कमरे या अपने घर को साफ रखूं, इट वाज नॉट दैट आई शुड जस्ट कीप माय हाउस क्लीन, इट वाज कि मैं अपने गली मोहल्ले को, कूचे को, पूरे शहर को साफ रखूं। सो नीरा जी, कैन वी कंपेयर डायबिटीज केयर में एवरेज इंडियन, एवरेज अफगानी, एवरेज इंदौरी क्या सोचता है, क्या सोचती हैं, और सफाई में हम क्या सोच रहे हैं, सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस क्या आते हैं? डिफरेंस पर यही होता है सर, जनरली जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं या डायबिटीज की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन आता है मुझे और मुझे ही क्यों। फिर बात आती है कि अगर जैसे हम सफाई में करते हैं कि मेरा मतलब मैं स्वस्थ रहूं या मेरा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, लेकिन उस स्वास्थ्य को ठीक करने में हर जगह पे फैमिली का भी बहुत सपोर्ट मिलना चाहिए, इमोशनली सपोर्ट मिलना चाहिए, मेंटली सपोर्ट मिलना चाहिए। जैसे हमने सफाई की बात की, जब हमको हम सफाई पे आते तो पहले हम घर की सफाई के बारे में बात करते, लेकिन अब हमारे माइंड में आता है कि नहीं, हमारी सफाई हमारे सिर्फ घर तक सीमित नहीं है, हमारे गली मोहल्ले कूचे और शहर तक भी ये आना चाहिए। तो सेम विथ डायबिटीज ऑल्सो, जब हमारे पास पेशेंट आता है तो वो पहले तो क्यू पे अटकता है, लेकिन जब फैमिली सपोर्ट करती है
और फैमिली भी ध्यान देने लगती है, तो एक पेशेंट में भी कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है मुझे डायबिटीज हुई है, लेकिन अगर मैं इसको अपनी फैमिली के साथ, अपने अपने वेल विशेस के साथ में इसको जीऊंगा या मैं इसके साथ रहूंगा, तो हो सकता है कि मुझे आजीवन इनका सपोर्ट भी मिलेगा और मैं अपने डायबिटीज को बहुत अच्छे से मैनेज कर लूंगा और जो कॉम्प्लिकेशन आने वाले हैं डायबिटीज की वजह से उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकूंगा। सो पॉइंट वेल टेकन एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी ऑल शुड इंट्रोस्पेक्ट अबाउट। हम सबको आत्मचिंतन करना चाहिए इसके बारे में कि जब हम इंदौर को साफ रख सकते हैं तो पूरे इंडिया का क्यों साफ नहीं रख सकते, और जब हम इंदौर को और इंडिया को साफ रख सकते हैं तो फिर हम इसे डायबिटीज मुक्त क्यों नहीं कर सकते। एक हमारे इंडस्ट्री लीडर हैं अमृता त्रिपाठी जी, शी हैज जॉइंड अस। अमृता जी हैं एक्सपर्ट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये काम करती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी पे। सो वार्म वेलकम अमृता जी। एंड डॉक्टर एन एस शारदा सर हैज अ क्वेश्चन फॉर यू मैडम। वो पूछ रहे हैं सर कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कम हो गई क्या इंदौर सिटी में, इन्फेक्शंस बिकॉज ऑफ द सफाई? सफाई की वजह से काफी काफी राहत मिली है सर इन सब इन्फेक्शन डिजीज में, और जो जो भी है मतलब एक सफाई की वजह से थोड़ा सा लोगों में स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूकता आने लगी है, सफाई से समझने लगे हैं कि अगर हम स्वच्छ रहते हैं सफाई में रहते हैं तो हम बहुत सारे दूसरी जो बीमारियां होती है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो काफी कुछ कंट्रोल इसमें भी आया है सर, इन्फेक्शन डिजीज में भी काफी कंट्रोल आया है। And so, if we can control infectious diseases, certainly we can control diabetes and we can control its complications. जैसे अमृता जी के बारे में अभी कहा कि she is focusing on retinopathy. अब एक एक करके बात करते हैं, but let's first talk about the family. अब नीरा जी, family जो है जब लोग आपके पास आते हैं तो usually does the patient come alone या is he or she accompanied by family members या friends? ज्यादातर क्या आप देखते हैं practice में? सर ज्यादातर यही होता है कि मतलब अगर दे आर फ्रॉम द आउटसाइडर तो दे आर कम अलोन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम घर का कोई सदस्य जरूर साथ में आता है। अगर एल्डरली पेशेंट है तो उनके साथ कोई ना कोई आएगा, या अगर कोई बच्चा है या यंग डायबिटिक है तो पेरेंट्स बहुत कंसर्न होते हैं तो वो साथ में आते ही हैं। मदर फादर के बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन रहते ही हैं तो साथ में वो इसको फैसिलिटेट करते हैं, मदद करते हैं आपकी, या आपके काम में बाधा डालते हैं? सर अगर देखा जाए तो वो हमारे काम को बहुत आसान करते हैं, क्योंकि जब तक हम डायबिटीज को समझेंगे नहीं, ये हम जानेंगे नहीं कि कॉज क्या है, रीजन क्या है, कहीं लाइफस्टाइल है या रीजन क्या है डायबिटीज का, तो किसी भी डिसीज का, नॉट डायबिटीज, बट जब तक हम मर्ज नहीं मिलेगा तब तक दवा काम नहीं आएगी। तो जनरली जब तक उनके क्रॉस क्वेश्चन हमारे सामने नहीं आएंगे कि वो क्या सोचते हैं डायबिटीज के बारे में, तब तक हम भी उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमें जनरली, मैं पर्सनलाइज या मैं फील करती हूँ कि जितने क्रॉस क्वेश्चन होंगे या जितनी उनके उथल पुथल दिमाग में है या जितना उनके दिमाग जो भी है, अगर वो हमसे बात करते हैं तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है और हम इसको कभी बाधा नहीं समझते, क्योंकि वो जितना अपने क्लियर हो जाएगा अपनी शुगर मैनेजमेंट में उतना हमारे लिए काम आसान हो जाएगा, हमारे लिए मैनेज उनकी डायबिटीज मैनेज करना और आसान हो जाएगा। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक होम मैसेज कमिंग फ्रॉम नीरा जी के फैमिली हेल्प्स अस एक्चुअली इन मैनेजिंग डायबिटीज एंड वी वेलकम द क्रॉस क्वेश्चनिंग। जितने ज्यादा सवाल पूछे जाएंगे उतनी मन की आशंका गायब होगी या दूर होगी एंड दैट विल हेल्प अस बिल्ड अ स्ट्रांग फ्रेमवर्क फॉर डायबिटीज केयर। मैडम डॉक्टर शुभलता चटवाल जी ने भी ज्वाइन किया हमें, शी इज फिजिशियन फ्रॉम न्यू दिल्ली। डॉक्टर सहिष्णु भट्ट आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं, वैशाली डोले जी एंड रत्नेश जैन जी ने बहुत दिन बाद ज्वाइन किया है, प्रणाम एंड वेलकम जैन साहब। या सो नाउ लेट्स सी, मैडम तो कह रही हैं कि फैमिली मदद करती है, फैमिली हेल्प्स अस इन मैनेजिंग डायबिटीज। सो कैन वी आस्क एवरीबडी एनी एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर प्रैक्टिस,
अपनी फैमिली से, अपनी प्रोफेशनल लाइफ से, अपने दोस्तों में आपने कोई ऐसा इंस्टेंस देखा हो जहाँ पे फैमिली ने मदद की हो डायबिटीज या डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस में बचाने के लिए? एंड अमृता जी क्वेश्चन पूछ रही है नीरा जी आपसे कि डू वी सजेस्ट रेटिना चेकअप फॉर पेशेंट्स विद डायबिटीज? डू यू डू इट एंड इफ सो हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू डू इट? सर हम जनरली पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि वंस इन अ ईयर हमको जितने भी एसेंशियल टेस्ट होते हैं रिलेटेड टू नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी एंड रिलेटेड टू रेटिनोपैथी होना ही चाहिए, फंडस एग्जामिनेशन होना ही चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट होता भी है, सही है सर, कि वंस इन अ ईयर अगर हम सारे चेकअप करवा लेते हैं पेशेंट के, तो पेशेंट के लिए भी बेनिफिट होता है, आने वाले लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन को हम रिड्यूस कर देते हैं. तो वी विल सजेस्ट एवरी पेशेंट कि वंस इन अ ईयर आपका फंडस एग्जामिनेशन होना ही चाहिए. And अगर आप if you anticipate या if you suspect, अगर आपको आशंका है या आपको ऐसा लगता है भी शायद ये दिक्कत आ रही है या आने वाली है, तो जल्दी भी करवा सकते हैं. Let us say patient comes with visual impairment या कोई ऐसी दवाई दी जा रही है जिसमें डाउट है कि शायद रेटिना पे दिक्कत हो, या सडनली नर्व्स की दिक्कत हो, सडनली किडनी की दिक्कत हो गई हो, क्योंकि ये तीनों चीजें रेटिना, नर्व और किडनी ये इकट्ठे चलती हैं. तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो भी हम जल्दी टेस्ट करवा सकते हैं. अदर पीपल आल्सो ग्रीटिंग यू नीरा जी. सैयद हाफिज साहब हैं, वो आपको गुड इवनिंग कर रहे हैं. अतुल मुले जी हैज लॉग्ड इन फ्रॉम पुणे एंड सो वार्म वेलकम अतुल, इट्स गुड टू सी यू ऑलवेज हियर. सो वी वर स्पीकिंग ऑफ द फैमिली हैज अ सपोर्ट सिस्टम इन हेल्पिंग अस फाइट डायबिटीज. एंड क्वेश्चन वाज आपने कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस देखा हो अपनी लाइफ में, तो सबको पूछ रहे हैं. बट नीरा जी दूसरी साइड लेते हैं, कभी कभी फैमिली बाधा भी डालती है क्या? आपने कभी देखा है कि हम फैमिली से कनेक्ट नहीं कर पाए, कम्युनिकेट नहीं कर पाए प्रॉपरली, और फैमिली ने नुकसान किया हो मरीज का जो डायबिटीज के साथ रहता है? सर जनरली जहाँ हम डायबिटीज की बात करते हैं या फैमिली की बात करते हैं, तो हम जनरली पेशेंट को कहते हैं कि फैमिली मीन्स नॉट सिर्फ आपके भाई बहन या आपके मदर फादर या आप जिनके साथ रहते हैं. आज की तारीख में हम इतने बिजी लाइफस्टाइल है या बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, यंगस्टर हैं, तो उनका एक अपना एक फैमिली लेवल अलग होता है. कई बार उनके फ्रेंड्स उनकी फैमिली से ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. तो हम सजेस्ट करते हैं समटाइम्स कि आप जिससे अटैच हैं वो आपकी फैमिली है. और जनरली आपने पूछा जैसे कि कोई फैमिली बाधा बनती है, तो कई बार ऐसा होता है, कुछ में होता है, मतलब बहुत रेयरली, पर जहाँ अगर हमने प्रॉपर काउंसलिंग की है या प्रॉपर समझाया है, तो वहाँ पे देर सवेर थोड़ा सा समझ में जरूर आ जाता है पेशेंट को, जब किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ में आते हैं कि नहीं आपने तो हमें बताया था बट हमने थोड़ा लेट कर दिया, या उनको लगता है कि नहीं शायद हम कोई और ट्रीटमेंट में जाएं, इधर एनी अदर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है, वहाँ ठीक हो जाएंगे. तो ये बहुत रेयरली होता है, लेकिन जहाँ एक प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर सजेशन मिलते हैं पेशेंट को, वहाँ पे थोड़ा सा रेयरली सिर्फ बाधा मिलती है, क्योंकि ऑलवेज वी वेलकम. अगर बाधा भी आती है तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव लेकर, पेशेंट को के लिए कुछ पॉजिटिव लेकर भी आती है. तो रेयर केस में कहीं होता है सर कि जहाँ बाधा बनती है, अदरवाइज. सो थ्री थिंग्स कमिंग अप जो मैडम ने कहा, तीन चीजें आ रही हैं. एक तो ये कि फैमिली डजेंट मीन ओनली जो आपके रियल रिलेटिव्स हैं या नजदीकी रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, इट मींस एवरीबॉडी जिसके साथ आप कॉन्टेक्ट में हैं. सो टुडे व्हेन वी आर स्पीकिंग ऑफ फैमिली, फैमिली, फ्रेंड्स, पीपल एट द वर्क प्लेस, आपके कलीग्स जो हैं, पीपल इन द स्कूल, जो स्कूल टीचर हैं, इवन द स्कूल ड्राइवर, जो बच्चा स्कूल जाएगा जो डायबिटीज के साथ रहता है, इट इज पॉसिबल कि दिन में डेढ़ घंटा तो वो स्कूल ड्राइवर के साथ बिता रहा है या बस के कंडक्टर के साथ, तो वो भी फैमिली का फर्ज निभाते हैं. दैट्स वन. द सेकेंड थिंग इज, बार बार मैडम कह रही हैं काउंसलिंग, अगर हम अच्छे से काउंसिल करें, अच्छे से समझाएं, तो कोई दिक्कत नहीं आती. एंड थर्ड थिंग इज, मान लो कोई दिक्कत आ भी गई, उसमें भी कुछ पॉजिटिव निकल रहा है. एंड इट इज दिस पॉजिटिविटी विच ऑल्सो विच हेल्प्स ऑल ऑफ अस एक्चुअली फाइट डायबिटीज. एंड वी वेलकम डॉक्टर पवार सर. डॉक्टर रमेश पाल सिंह पवार सीनियर पीडियाट्रिशियन है, सर भी लॉग इन है आपको सुनने के लिए. सो पॉजिटिविटी, ट्राई टू यूज द फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड एवरी वन क्लोज टू द पर्सन लिविंग विद डायबिटीज as a stakeholder, as a team member, as a soldier in the fight against diabetes.
अगर हम सब इकट्ठे हो जाएं तो एक्चुअली हम डायबिटीज से लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। तो अब हम बात करते हैं, हमने फैमिली डिफाइन कर दी और मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया, शी हैज डिफाइंड द फैमिली एज बीइंग सो लार्ज एवरीबॉडी। एंड नीरा जी, जो केके मेटॉक्स में सब लोग हैं इकट्ठे आज, वी आर ऑल्सो फैमिली फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, फ्रॉम अफगानिस्तान एंड फ्रॉम अदर कंट्रीज, बट हैं तो फैमिली, वी आर ऑल कनेक्टेड विद ईच अदर एंड वी गिव ईच अदर। मेरा सौभाग्य सर, आज मुझे फैमिली का पार्ट बनने का मौका मिला। यू आर वेलकम, हमारा सौभाग्य है। सो नाउ वी हैव टॉक्ड ऑफ द फैमिली एंड वी हैव सीन के फैमिली में स्ट्रेंथ कितनी है। Now let's talk about two things one by one, the rights of the family and the responsibilities of the family. Family ke hukuk kya hain, haq kya hain jo Neera ji ko dene hain, aur family ki zimmewari kya hai. So Neera ji, pehle to ye bataye, what would you want to speak about first, family ke hukuk, haq ya family ki zimmewari? सर, अगर हम बात करें जिम्मेदारी की या फैमिली का हक, तो हम जिसके क्लोज हैं उसे हमने सारा हक दे रखा होता है। तो कहीं कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल नहीं है कि ये हम नहीं बता सकते हैं, ये आपको बताना, ये हमको नहीं बताना है। क्योंकि जब हम किसी से जुड़ जाते हैं तो हमें ये सीमा नहीं बनानी है या हमें कोई लिमिटेशन नहीं बनाना है कि आपकी ये जिम्मेदारी है या आपकी वो जिम्मेदारी। जितनी जिम्मेदारी हमारी उतनी जिम्मेदारी उनकी भी है। मतलब हम बचपन से सीखते आ रहे हैं शेयरिंग इज केयरिंग, तो हम जितना हम शेयर करेंगे उतना हमको भी केयर मिलेगा। तो ये टू वे वर्क है सर। तो ऐसे कोई पॉइंट्स नहीं है जहाँ हम ये कहें कि डिफाइन करें कि ये आपका हक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कि हम सबका सब पे हक है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि एक दूसरे का ध्यान रखना है। तो जहाँ डायबिटीज की अपन बात करते हैं अगर, तो वहाँ पे जनरली जितना हम हमारे बारे में बताएंगे, लाइक मेनली हम हाइपो जब हम कभी फील करते हैं, तो कई बार बच्चे हैं या बड़े हैं, एल्डरली पेशेंट है, वो हाइपो फील नहीं करते हैं या बता नहीं पाते हैं कि उनको एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको बताएं कि अगर आपको इस तरीके से कुछ होता है या आपको ऐसा फील होता है, या एल्डरली पेशेंट है, खुद से बना नहीं पा रहे हैं खाना या टाइम टू टाइम ले नहीं पा रहे हैं, तो उनका मील डिसाइड करना या उनको अलर्ट करना, आप कुछ खाइए या आपका मील पैटर्न आपको ऐसा रखना है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हमारे घर में कोई डायबिटिक है या हमारी फैमिली में कोई डायबिटिक है या हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई डायबिटिक है, तो प्रॉपरली उससे पूछना है कि आप दवाई टाइम पे लेते हैं, आप अपना इंसुलिन टाइम पे लेते हैं, अपनी दवाई का स्टॉक मेंटेन करते हैं, आप बाहर जाते हैं तो अपना फूड हैबिट सही रखते हैं, आप इंसुलिन लेते हैं या दवाई लेते हैं तो आप प्रॉपरली उसको उसके कोल्ड चेन मेंटेन करके लेके जाते हैं या नहीं जाते हैं। तो एज इट इज हम सबसे क्लोज हैं, तो हमको पूरा हक है उनसे हमसे बात करने का और हमें अपनी बात उनके साथ शेयर करने का। तो जिम्मेवारी है ऑफ नॉलेज फैमिली, एंड फैमिली की डेफिनेशन है एनीबॉडी हु नोज एनीवन लिविंग विद डायबिटीज, व्हिच इज वर्चुअली एवरीबॉडी इन इंडिया, एवरीबॉडी इन अफगानिस्तान। हमारी जिम्मेवारी है कि हम डायबिटीज के बारे में जाने, और हमारी जिम्मेवारी है हम ख्याल रखें उस आदमी का, उस महिला का, उस बच्चे का जिसको डायबिटीज है, उनका हाल चाल पूछें। एक और जिम्मेवारी है अबाउट बींग पोलाइट, अबाउट बींग सेंसिटिव। तो जैसे नीरा जी, मान लो अब हम शादी पे गए, फंक्शन पे गए, वहाँ पे मालपुए भी हैं और आइसक्रीम भी है, सब कुछ है, साथ में मेरा सबसे करीबी दोस्त है, उसको डायबिटीज है, हाउ शुड आई बिहेव? बड़ा प्यार समझाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे है। कई बार ये भी होता है कि हम मना नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक बहुत ही उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जब हम उनके कंफर्ट जोन में आकर उनको किसी तरीके से समझाएंगे कि अगर आप मीठा लेते हैं या आप मीठा खाते हैं तो आपकी शुगर बढ़ जाएगी या कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, तो कई बार ये होता है कि जब हम उनको उनके कंसर्न लेवल से समझाते हैं तो हो सकता है कि वो मान जाए। तो मेरा मानना है कि जब भी हम किसी भी डायबिटिक को बता समझाते हैं या काउंसलिंग करती है तो डराना नहीं है, हमको उनको बहुत प्यार से समझाना है कि क्यों आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन करना जरूरी है, और अगर शुगर लेवल मेंटेन नहीं किया तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं।
अभी है नहीं, हो सकते हैं। तो बहुत बहुत ये एक लेवल जहाँ पे होता है कि बुरा भी नहीं लगे और हमारी बात भी आ जाए, तो ये हमारा वे ऑफ टॉकिंग उस वक्त पे बहुत पोलाइट होना चाहिए। एक इंग्लिश का फ्रेज है कलिनरी क्रुएल्टी, क्रुएल्टी मतलब क्रूरता, कलिनरी क्रुएल्टी ये भी है कि हम शादी पे गए, मैं हूं और मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अब मैं खाए जा रहा हूँ समोसे टिक्की और गुलाब जामुन और रसगुल्ले और वो कुछ भी नहीं खा रहा, दैट इज क्रुएल्टी टुवर्ड्स हिम। सो व्हाट वी कैन डू इज के चल यार हम दोनों फ्रूट खाते हैं, या चल एक आइसक्रीम की प्लेट लेते हैं आधा आधा बांट के खाते हैं, या एक एक गुलाब जामुन लेते हैं या रसगुल्ला, लेट्स टेक हाफ। सो दीज आर वेज ऑफ यू नो मेकिंग योर फ्रेंड, मेकिंग योर फैमिली फील पार्ट ऑफ ओवरऑल सोसाइटी विदाउट बीइंग क्रूअल टू हिम और हर। Atul ji raises a very good point and a best practice coming from Pune. Doctors write many medicines in the prescription, but patients do not take the medicines as per prescription due to many reasons. A point well taken. So what he does is I write dates on the strip of every tablet. If it is two times a day, then I write the date two times also. Okay. And whatever I write in big words with a waterproof marker. So that patient gets to know. तो आप भी ऐसा कुछ करती हैं क्या नीरा जी अपनी OPD में? Yes sir. जब भी हम किसी patient को medicine prescribe करते हैं, तो हम हमेशा उनको जो timing है, उस हिसाब से जो उनका हमने time किस तरीके से दो अगर दो बार लेना है, तो हम उनको दो बार medicine के ऊपर लिख कर देते हैं। Either अगर हमको ऐसा लगता है कि कहीं पे ऐसा patient जो है उनको समझ नहीं आया, तो कई बार हम भी कहते हैं आप मेडिसिन आके पूरी प्रॉपरली हमको दिखा कर जाइए, आप क्या मेडिसिन ले रहे हैं। ऑलमोस्ट हम जितनी बार पेशेंट को फॉलो अप में बुलाते हैं, हम हमेशा कहते हैं आप अपना ग्लूकोमीटर, अपना इंसुलिन, अपनी मेडिसिन साथ लेकर आए, ताकि हम चेक करें कि आप प्रॉपरली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन पे हम प्रॉपरली मेंशन करते हैं कि कब दवाई को लेना है, कब कितनी बजे लेना है, खाने के बाद लेना है, पहले लेना है, रात को इंसुलिन अगर ले रहे हैं तो कब लेना है, खाने के पहले लेना है, खाने के बाद, वो पूरा मेंशन करके देते हैं सर। सो इन रूटीन प्रैक्टिस हम सारे पेशेंट को ये मेंशन करके देते हैं। एंड थैंक्स अतुल फॉर रेजिंग दैट पॉइंट, एंड शुभलता चटवाल मैडम भी, डॉक्टर चटवाल भी अतुल को शाबाशी दे रही हैं। सो अतुल गुड डे फॉर यू। डॉक्टर नूरा का पॉइंट रेज करते हैं, लेट मी टेक दिस। Biggest hindrance in diabetes treatment in many parts of the world is poverty and illiteracy. How do we overcome? Now, illiteracy is not linked with diabetes care. It is just about andar wali feeling, you know, do I want to take care of diabetes or not? Am I in charge of my destiny or not? So, some ways are to motivate the patient. कि अगर आप भगवान में, अल्लाह में विश्वास करते हैं, तो आप उसके दिए हुए गिफ्ट का ख्याल रखें. And the gift that you have got, जो आपको बख्शीश में मिला है, that is your body. अगर आप इसका ख्याल नहीं रखेंगे, वो भगवान का अनादर है, वो अल्लाह की के खिलाफ, मतलब ये बेइज्जती है. तो we have to take care of our body because it is a gift from God. Now if we have to take care of it, how do we take care of it? तीन चार चीजें हैं टोटल. खाने पीने का परहेज रखें, एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, स्ट्रेस ना लें, सही टाइम पे सोए, सही टाइम पे जागें, और दवा लें, जो भी डॉक्टर साहब आपको दवा दे रहे हैं वो लें. पॉवर्टी का एंगल जरूर आता है, सो वी शुड ट्राई टू चूज द मोस्ट इकोनॉमिकल मेडिकेशंस. एंड समटाइम्स पेशेंट्स में फील डिसहार्टेंड कि डॉक्टर साहब इतनी महंगी दवाई है, आप बार बार बुला रहे हो, मैं क्या करूँ? तो उसका आंसर ये है कि पैगम्बर ने, प्रॉफिट मोहम्मद ने जवाब दिया, लिखा हुआ है हदीस में कि हर मर्ज की दवा दी है भगवान ने एक्सेप्ट फॉर ओल्ड एज. तो फिर हम उनको यही बोलेंगे कि दीदी या भैया या मशरवरोर, दैट इज एल्डर ब्रदर, जब ओल्ड एज आएगी तो आएगी, तब का तब देखेंगे, अभी तो आप जवान हैं, अभी आप यंग हैं, सो वी हैव द मेडिसिन फॉर यू एंड यू मस्ट टेक इट, दैट इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज आजकल रमजान चल रही है और डॉक्टर नूर आगा ने भी रोजे रखे हुए, सो डॉक्टर नूर आज का इफ्तार आप कर चुके क्या? आई एम नॉट श्योर ऑफ द टाइम इन अफगानिस्तान, बट हैव यू ब्रोकन योर फास्ट? हमें बताएं तो सही. एंड डॉक्टर नूर आगा बड़े खराब है, हमें वो डेट्स तो भेजते नहीं है ये इफ्तार वाली. वो भी हम आके खाएंगे काबुल कभी ना कभी. सो रोजे क्यों रखे जाते हैं? रोजे रखे जाते हैं टू बी हम्बल, टू बी वन विद गॉड.
टू अंडरस्टैंड कि हमारे आसपास कितने और लोग हैं जिनको पानी नहीं मिलता, जिनको खाना नहीं नसीब होता. सो लेट अस फॉर अ फ्यू डेज इन द ईयर लेट अस अंडरस्टैंड देयर पेन, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट इज टू गो विदाउट फूड विदाउट वाटर. तो जब ये चीज हम अगर हम 28 दिन कर सकते हैं साल में, तो फिर पूरा साल क्यों नहीं कर सकते. और जब हम अल्लाह के लिए हम 28 दिन का पूरा रोजा रख रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, तो डायबिटीज में तो हम इतना रोजा नहीं कहते. ऑल वी से इज स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स एंड ऑल वी से इज के बस घी मक्खन मलाई का रोजा रखना है, चीनी का रोजा रखना है, चीनी का व्रत रखना है, गुड़ का व्रत रखना है. सो इफ यू कैन कीप द रमजान द रमादान फास्ट फॉर वन मंथ, देन यू कैन कीप अ रोजा फॉर घी मक्खन बटर एंड ऑल्सो फॉर शुगर एंड जैगरी फॉर द रेस्ट ऑफ द 11 मंथ्स. सो दैट इज जस्ट अ रिक्वेस्ट. Another thing is about exercise. अब normal अगर हम 5 नमाज पढ़ेंगे तो 17 रकात होती हैं, 17. But रमजान में एक extra prayer जुड़ती है जिसका नाम है तरावी, उसमें 20 रकात होती हैं, 20. So most believers will do it. Some of the people will do it sitting because इनके knees दर्द करते हैं. But otherwise अगर आप 37 रकात पढ़ रहे हैं, that is a lot of physical activity. So when you are able to do the physical activity for the prayers, for the Taraweeh prayers and the other prayers, then why can you not make physical activity a routine part of your life? So bas hum patient ko politely request karte hain. And fir yahan pe aap dekhoge, ye sari cheezein jo hain, isme poverty aur illiteracy ka koi lena dena nahi hai. Patient will listen, they will agree. The only thing about poverty is you have to choose economical brands. So economical medicines. So that all over the world people are trying. But Dr. Noor, thank you for raising this point and let me see if he has answered about the roza. Nahi, abhi jawab nahi aaya doctor sahab ka, abhi aa jayega. Neena Agi ji point raise karti hai ki aisa bahut baar hota hai, shaadi pe jao, function pe jao, to friends kehte hain ki kuch nahi hota, koi baat nahi hai, kuch kha pi lo. So Neera ji, how to respond to these friends? Sir, again yahi hota hai ki एक क्लोज फ्रेंड जरूर होना चाहिए जो आपके सपोर्ट में रखे कि नहीं इसे नहीं खाना है, या खाएंगे तो हम शेयरिंग करके थोड़ा सा खा लेंगे. तो जनरली कहीं पे ये सेल्फ अवेयरनेस भी आना चाहिए. हर समय हाँ बोलना जरूरी नहीं होता है, कई बार ना बोलना भी जरूरी होता है. तो अगर कहीं भी हम जा रहे हैं तो थोड़ा सा हमें अपनी तरफ से भी, या जो पेशेंट है उनको भी हमें हम समझाते हैं कि सेल्फ कंट्रोल भी आपको होना चाहिए. तो जहाँ जहाँ नहा नहीं बोल पा रहे या हाँ आपको बोलना पड़ रहा है, वहाँ आप थोड़ा सा ना भी अगर बोलते हैं तो ये आप अपने हेल्थ के लिए अच्छा कर रहे हैं, या आप अपने ही हेल्थ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं. तो मेरा ये मानना है कि ये खुद के अंदर से फीलिंग आना चाहिए कि जहाँ अगर कोई हमें बहुत प्रेशराइज भी कर रहा है तो एक थोड़ा सा लिया, लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं. वहाँ सेल्फ कंट्रोल पेशेंट को हमें सिखाना चाहिए कि आपको ना बोलना भी आना चाहिए. सो सम सजेशंस नीना जी, बस सजेशंस हैं, कहीं पे कोई काम आएगी, कहीं कोई काम आएगी. एक तरीका है कि चलो आधा आधा खाते हैं, दैट्स वन बिट. अनदर थिंग इज कि हेल्दी अल्टरनेटिव ढूंढें. यार मेरे को आइसक्रीम टेस्टी नहीं लगती, मैं तो फ्रूट खाऊंगा, राइट. सो यू डोंट से कि मुझे शुगर है इसलिए मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, जिससे मेरे को टेस्ट नहीं अच्छा लगता. जैसे मैं हूँ, आई डिवाइड ऑल डेजर्ट्स इनटू टू, रेजिस्टेबल एंड इररेजिस्टेबल. अब बाय चांस चॉकलेट आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, मुझे कलर ही नहीं पसंद, टेस्ट नहीं पसंद, सो दे आर रेजिस्टेबल फॉर मी. तो आप ऐसे कह सकते हो यार चॉकलेट वाली है वो नहीं अच्छी लगती, अब अगर कीवी आइसक्रीम होती तो मैं जरूर खाता, अगर कोकोनट आइसक्रीम होती तो मैं जरूर खाता. अब ये सेपरेट मैटर है कि करनाल में कोकोनट आइसक्रीम मिलती नहीं है, बट दैट इज अ सेपरेट मैटर. और नीना जी टशन तो देखें, अच्छा कोकोनट आइसक्रीम भी होती है क्या? आप देखो किटी पार्टी में आपकी कितनी टॉर हो जाएगी. उल्टा भी पड़ सकता है, वो कहेंगे अगले महीने अब मैडम अगी साहब को बोलना अगली बार तो हम बस कोकोनट आइसक्रीम ही खाने आ रहे हैं, एंड दैट इज 500 रुपीज अ केजी. सो दैट इज वन ऑप्शन. अभी हम रोजों की बात कर रहे थे, सो लेट मी टॉक अबाउट समथिंग वेरी पेक्यूलियर जो मैंने इंडिया में, एटलीस्ट नॉर्थ इंडिया में ऑब्जर्व की. अगर मैं किसी को कहता हूँ कि मैं परहेज रख रहा हूँ, मैं शुगर की वजह से या मोटापे की वजह से परहेज रख रहा हूँ, तो फिर तो आंसर होता है कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, एक दिन खा ले. बट अगर मैं कह दूं मैंने व्रत रखा हुआ है, देन नोबडी विल फोर्स मी. अगर मैं कहूं मैंने मन्नत मांगी हुई है, देन नोबडी विल फोर्स मी. सो दीज आर सम थिंग्स आल्सो यू कैन थिंक ऑफ. मैंने मंगल का बार का व्रत रखा हुआ है, आज मेरा अनाज का व्रत है, आज मेरा चीनी का व्रत है,
या मेरा चीनी का रोजा है. सो दीज आर थिंग्स वी कैन डू. जैन रिलीजन में ये चीज वेल एस्टेब्लिश्ड है. सो इन जैन रिलीजन एंड इंदौर इज अ हब ऑफ जैनिज्म, बड़े सारे तरह के व्रत हैं. बट एक व्रत ये भी है, एनीथिंग दैट यू रियली लाइक यू जस्ट स्टॉप टेकिंग इट. तो मुझे मान लो परौंठे पसंद है, मैं परौंठे बंद कर दूं, ये भगवान व्रत मानेंगे मेरा. सो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो. एंड डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट फ्रेंड्स, कभी कुछ ना कुछ मतलब लगा ही रहेगा. नीरा जी, एक ओके, अतुल जी इज रेजिंग अनदर पॉइंट एंड ही इज राइट एक्चुअली. मेडिसिन पैकिंग शुड बी इम्प्रूव्ड. फुल्ली अग्री अतुल, फुल्ली अग्री. इट शुड बी इम्प्रूव्ड. एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिज मम्मी. सो मम्मी का ख्याल रख रहे हैं अतुल. सो थैंक्स अतुल, यू आर अ वेरी गुड बेटा. तो फैमिली वाला तो प्रोग्राम फिर आपके नाम आज. फैमिली एज अ सपोर्ट. यस, दो क्वेश्चन आ रहे हैं नीरा जी आपके लिए. एक तो आ रहा है अर्चना अरोड़ा मैडम से. वो पूछती हैं, कैन लाइफस्टाइल चेंजेस रिवर्स डायबिटीज? डेफिनेटली. सबसे बड़ा रोल जो होता है डायबिटीज में, वो लाइफस्टाइल का ही होता है. क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल आज की तारीख में हम लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया या गड़बड़ हो जाता है, उसकी वजह से कई बार ओबेसिटी या यंगर्स में पीसीओडी. तो लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है सर. और जैसे हम देखते हैं रिवर्स डायबिटीज, तो डेफिनेटली अगर लाइफस्टाइल को हम ले लेते स्टार्टिंग, मतलब जब हमारा शुगर लेवल हायर साइड जा रहा है, हम डायबिटीज को मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली हम डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं. खासकर अर्चना जी, यंगर पीपल में, यंग एडल्ट्स जिनको अभी अभी शुगर हुई हुई है शॉर्ट टाइम के लिए, एंड जो ओवरवेट हो, सो इफ दे कैन लूज वेट देन द डायबिटीज कैन कम डाउन. करुणा जी एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, डज ईटिंग मोर स्वीट्स वर्सन डायबिटीज और कॉज डायबिटीज? जब भी कोई मीठा ज्यादा खाता है तो यही जनरली बोला जाता है, कम खाओ कम खाओ तो शुगर हो जाएगी. तो आपकी एडवाइस क्या है इसके बारे में? हम जितना इनपुट ले रहे हैं, हम उतना ही अगर आउटपुट देते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारा रूटीन हम प्रॉपर रखते हैं, तो शुगर और डायबिटीज जो है, शुगर इनटेक और डायबिटीज जो है, वो हम मतलब कहीं ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आप बहुत शुगर लेते हैं तो डायबिटीज हो जाता है. बेसिकली ये मैनेज करने वाला है. हम जितना खाते हैं, अगर हम उतना ही अपनी आउटपुट यानी एक्सरसाइज करते हैं, हमारी फूड हैबिट को ठीक रखते हैं, तो डेफिनेटली हम कहीं नहीं कहते कि हम अगर बहुत मीठा खाते तो हमें डायबिटीज हो जाएगी. इन बिटवीन वाले आंसर होते हैं. एंड फ्रूट काफी मात्रा में ले सकते हैं. बस ये कि जब अगर खूब सारा खा रहे हैं तो खूब सारी एक्सरसाइज भी करनी है. कृष्ण भगवान खूब सारा मक्खन खाते थे जब बाल अवस्था में थे, पर फिर वो पर्वत भी उठा लेते थे, फिर वो सांपों से नाग से कुश्ती भी लड़ते थे. सो दैट एंगल आल्सो ही, कुश्ती भी वो लड़ते थे और पहाड़ भी वो उठाते थे. सो रेस्लिंग दैट इज एरोबिक एक्सरसाइज, एंड वेट लिफ्टिंग, माउंटेन लिफ्टिंग दैट इज रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, दोनों ही चीजें करते थे कृष्ण भगवान. तो उसके बाद अगर आप मक्खन खा लें या चीनी खा लें फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी. डॉक्टर भट्ट रेजिंग अ वेरी गुड पॉइंट. आई थिंक वी शुड ऑल रेज आवर वॉइस फॉर दिस. नीरा जी, योर ओपिनियन. डॉक्टर भट्ट कह रहे हैं, फैमिली फंक्शन एंड वेडिंग में डायबिटीज के लिए एक अलग फूड काउंटर होना चाहिए. सो गुड और बैड आइडिया? सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कोई नहीं चाहता कि डायबिटीज है, आपको डायबिटीज है क्या, ये क्वेश्चन बड़ा ऑड लगता है जब हमसे कोई मतलब ऑलमोस्ट यहाँ इंदौर में हम जब देखते हैं पेशेंट को बोलते हैं तो दे फील वेरी ऑड, अरे डायबिटीज है क्या. तो मैं नहीं समझती कि फूड स्टॉल अलग से होना, मतलब डायबिटीज के लिए अलग से होना चाहिए. हाँ, अगर हम जो भी हम रख रहे हैं, मतलब अल्टरनेटिव होना चाहिए. जो भी हम स्टॉल रख रहे हैं किसी भी आयोजन में, शादी में या बर्थडे पार्टीज में, तो वहाँ हम कोशिश करें कि जो फूड है वो ऐसा रहे, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे. तो अल्टरनेट कुछ ऑप्शंस हम रख सकते हैं. गुड पॉइंट. वी कैन हैव डिशेस, या वी कैन हैव डिशेस जिस पे लिखा हो लो कैलोरी या लो फैट. व्हेन वी गो टू मैरिजेस दे हैव मंगोलियन काउंटर, दे हैव पंजाबी काउंटर, कॉन्टिनेंटल काउंटर, चाइनीज काउंटर, इतना सारा. तो यू कैन हैव अ हेल्दी फूड काउंटर, दैट्स अ गुड आइडिया. And health is for everybody, not only for people with diabetes. Only for the diabetes. Dr. Nuraga share kar rahe, and thank you sir for sharing that in Ramzan, diabetes of most patients is very well controlled. So that is a good thing.
एंड अतुल की ऑब्जर्वेशन राइट है, नर्सेज डॉक्टर्स एवरीबडी कभी कभी रॉन्ग मिस्टेक्स हो जाती हैं, मतलब रॉन्ग डोजेस दी जाती हैं, सो दैट इज अ बिग इशू. डॉक्टर एन एस शारदा सर शेयर्स अ गुड इनसाइट फॉर नीना आगी जी एंड फॉर एवरीबडी. तो जब आप शादी में जाएं, टच टेस्ट एंड लीव, तो हल्का सा टच करें, हल्का सा टेस्ट करें और फिर छोड़ दें. स्वप्ना जी फ्रॉम वेलोर, मैडम इज अ इज एन एक्टिविस्ट फॉर पेशेंट एडवोकेसी एंड इट वुड बी नाइस एक्चुअली. स्वप्ना जी भी वही कह रहे हैं, काउंटर नेम अंडर हेल्दी ऑप्शंस. सो थैंक यू स्वप्ना जी. टेलीपैथी, सो टेलीपैथी बिटवीन यू एंड नीरा जी एंड यू मस्ट गेट इन टच सम टाइम. तो मिस जैन कह रही है कि आई रेज माय फादर्स इंसुलिन डोज अ लिटिल बिट एंड अलाउ हिम टू ईट वन स्वीट और आइसक्रीम ड्यूरिंग अ फेस्टिवल और अ फंक्शन एंड ही इज आल्सो हैप्पी. सो वंस इन अ व्हाइल यू कैन डू दैट. इसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग. तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट या आइसक्रीम ज्यादा ले रहे हैं तो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट इंसुलिन जुड़ जाएगी. अतुल डिड अ वेरी गुड जॉब. सो अतुल शाबाश भी कहूंगा एंड आपके साथ हैं. अफसोस के अतुल के मम्मी चले गए, शी पास्ड अवे, बट ही मैनेज हर डायबिटीज फॉर 40 years एंड एक्सटेंडेड हर लाइफ. सो दैट इज शाबाश अतुल, बाय सर्विंग हर करेक्ट डोजेज ऑफ मेडिसिन इन द करेक्ट वे. एंड ही स्ट्रांगली बिलीव्स दैट द डॉक्टर्स आर गुड, द एजुकेटर्स आर गुड, बट मेडिसिन पैकिंग नीड्स टू बी इंप्रूव्ड. 100% सहमत हूँ. अब तो ओपीडी में कभी कभी अतुल मुझे भी एनक उतार के पढ़ना पड़ता है एंड देन व्हेन आई सी द मेडिसिन, इंग्लिश में तो छोटा छोटा लिखा होता है बट द साइज एवरीथिंग इज द सेम, सो इट इज क्वाइट कंफ्यूजिंग. आई फुली एग्री विद यू. अंबुजा जी एक क्वेश्चन पूछ रही है नीरा जी आपको, इज वॉकिंग एनफ टू कीप डायबिटीज अंडर चेक और शुड आई मैंडेटरली डू एरोबिक एक्सरसाइज? पार्डन सर, आई एम नॉट हियरिंग. एरोबिक एक्सरसाइज करें या वॉकिंग काफी है? इट डिपेंड्स कि आपके पास समय कितना है और आप अल्टरनेट डे भी ये कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइमिंग में यही होता है कि समय सीमा हमारे पास बहुत कम होती है, हमारा वर्क शेड्यूल भी ऐसा ही होता है. तो आप दोनों ऐड कर सकते हैं या फिर आप अल्टरनेट डे आप अपने टाइमिंग के हिसाब से उनको कर सकते हैं. सभी कुछ अलग अलग करें अंबुजा जी, बिकॉज इफ यू यू शुड यूज ऑल मसल्स ऑफ द बॉडी. तो हेल्थ एक तो मेटाबॉलिक हेल्थ है कि शुगर कंट्रोल में आएगी, दूसरा मस्कुलोस्केलेटल हेल्थ, मसल्स और बोन्स भी स्ट्रांग रहती हैं. तो चारों अंगों को मतलब पूरी बॉडी को यूज करना चाहिए एक्सरसाइज में. डॉक्टर नूर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि सम पेशेंट्स फॉरगेट द टाइम ऑफ टेकिंग देयर मेडिसिन एंड एनी टिप्स फॉर हाउ द फैमिली कैन हेल्प? सर, एवरी हैबिट हैविंग अ 21 डेज हमें उसको फॉलो करना चाहिए. तो मेनली आज अगर हम ये टॉपिक में बात कर रहे हैं तो सबसे बड़ा मेनली वही है कि ये जो मेडिसिन होती है या इंसुलिन होता है, यहाँ पे फैमिली का बहुत बड़ा रोल होता है. तो फैमिली जब भी आपके आप मेडिसिन भूल जाते हैं या आपको याद नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को इसमें जरूर इन्वॉल्व करें. आप बोल के रखें कि मेरा ये मेडिसिन का टाइम होता है या मुझे खाने के 15 मिनट पहले इसको लेना है या खाने के बाद इसको लेना है. आप शेयर करें तो हो सकता है कि कुछ दिनों बाद जब आपकी हैबिट हो जाएगी मेडिसिन लेने की, या तो आप भी पेशेंट नहीं भूल पाएगा. तो आज जो मेन हम लोग बात करने आए वो इसी पे आए हैं कि इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है अपनी मेडिसिन, अपने आपका जो भी सपोर्ट, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ अपने मेडिसिन का टाइमिंग, अपने इंसुलिन का टाइमिंग जरूर बता के रखें, ताकि इन केस अगर आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो वो आपके साथ में जो रहते हैं वो आपको याद जरूर दिलाते हैं. तो अनीता जी या अनीता जी भी पॉइंट पुट फॉरवर्ड करी है दैट यू कैन पुट एन अलार्म टू रिमेंबर. अनदर वे इज यू कैन मेक इट अ गेम. मान लो दादी या ग्रैंड मदर हैज टू टेक द मेडिसिन, तो बच्चों को काम पे लगा दो. चलो जी सुपरमैन बन जाओ, चलो जी टाइम मैन बन जाओ एंड यू हैव टू, या टाइम गर्ल बन जाओ या हाउस कैप्टन बन जाओ. सो स्कूल में बच्चे हाउस कैप्टन होते हैं या डिसिप्लिन कैप्टन होते हैं, तो बच्चे को बना दो ना, यू आर द डिसिप्लिन कैप्टन, नाउ यू हैव टू कीप दादी इन डिसिप्लिन, शी हैज टू टेक हर मेडिसिन एट 8 PM. सो इट्स अ गेम ऑल्सो, बच्चे भी खुश एंड दादा दादी भी खुश. सो दैट्स अ नाइस वे. चिल्ड्रन विल फील वेरी हैप्पी व्हेन यू गिव देम अथॉरिटी, व्हेन यू गिव देम प्रेस्टीज. या सो यू यूज देम and you will find that the entire family will become happier and healthier.
एक और तरीका है डॉक्टर नूर के प्रेयर्स के साथ लिंक कर सकते हैं कि जैसे आपको याद रहेगा कि अब मैंने मगरिब प्रेयर बोलनी है या मैंने ईशा प्रेयर बोलनी है, तो उसके साथ आप कोई चीज कनेक्ट कर लें, विच माइट बी ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ मिल्क, विच माइट बी टेकिंग अ मेडिसिन, सो यू कैन कनेक्ट इट विद द प्रेयर टाइम्स। एंड आनंद जी एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैन अ डायबिटिक पर्सन सब्स्टिट्यूट जैगरी फॉर शुगर? आप शुगर का कोई भी फॉर्म अगर ले रहे हैं, सो यू आर टेकिंग, आप मीठा ले ही रहे हैं, आइदर वो शुगर हो, जैगरी हो या हनी हो, तो कहीं ना कहीं आप शुगर इनटेक ले रहे हैं, तो अब बेसिकली आप सब्स्टिट्यूट की तरफ जाइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज कहीं जहां भी आप जैगरी भी यूज कर रहे हैं तो वो आपका शुगर लेवल तो हाई करेगा ही करेगा। तो अगर कहीं आपको स्वीट क्रेविंग होती है या आपको आप खजूर यूज कर सकते हैं या अंजीर यूज कर सकते हैं, तो आप सब्स्टिट्यूट यूज कर सकते हैं उसके जगह पर। तो पॉइंट वेल टेकन। एंड एक और क्वेश्चन करुणा जी का आ रहा है, वो पूछ रहे हैं कि वंस वीकली अगर बेझिझक खाया जाए और बाकी दिन परहेज कर लिया जाए तो हम बीमारियों से कितना दूर रह सकते हैं? मे बी नीरा जी यू कैन टेक दिस फॉर पीपल विदाउट डायबिटीज, फॉर पीपल विद डायबिटीज सेपरेटली। सर एक दिन तो चीटिंग डे माना जा सकता है, तो मेरा मानना है कि ठीक है अगर आप कहीं पर, बट आपके फिर 6 डेज ऐसे होना चाहिए कि आपने आपने उसको पूरा अपनी अपने हेल्थ के लिए डिवोट कर दिया है। तो अगर आपका शुगर लेवल सही जा रहा है, आप अपनी मेडिसिन टाइम पर ले रहे हैं, आप अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं, आपका एक्सरसाइज लेवल अच्छा है, आप वॉकिंग प्रॉपरली कर रहे हैं, आप डॉक्टर को टाइम पे दिखा रहे हैं, आपके टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, तो मेरा मानना है पूरा नहीं लेकिन हाँ एक हाफ डे चीटिंग डे हम कर सकते हैं। मे बी वन मील एंड उसमें कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग करके आप अपने डॉक्टर या एजुकेटर से बात करके दवाई पहले ही पूछ लें भी कितनी हाफ टैबलेट बढ़ानी है या 4 यूनिट इंजेक्शन बढ़ाना है, दे विल टेल यू। रेशमा जी हैज अ क्वेश्चन, आर शुगर फ्री टैबलेट्स अलाउड फॉर पीपल विद डायबिटीज? ले सकते हैं, पर हम चाहते हैं कि हमारे पेशेंट जो है वो अपने आप को इस तरीके से ढाले कि वो शुगर फ्री की जगह पर सब्स्टिट्यूट ले ले किसी तरीके, जैसे अंजीर या खजूर हो गया, इस तरीके से कुछ सब्स्टिट्यूट ले ले और शुगर फ्री कम से कम यूज करे। अंबुजा जी एक और क्वेश्चन शेयर कर रही हैं, लेट मी टेक दिस। सो इंसुलिन लेवल्स हम प्रैक्टिस में नहीं करवाते एक्चुअली, होमा ये रिसर्च टूल्स हैं, और मैडम जो इंसुलिन है ना इतना नजाकत वाला मॉलिक्यूल है कि जब तक आपका सैंपल लैब में पहुंचेगा वो वैसे ही उड़ गया होगा। यू हैव टू सेंड इट इन कोल्ड चेन, जो कि वर्चुअली मतलब इम्पॉसिबल तो नहीं बट बहुत मुश्किल है, कोई करता नहीं है। अगर जरूरत भी पड़े तो एक टेस्ट है सी पेप्टाइड, तो वो किया जा सकता है, बट वो भी हम प्रैक्टिस में बहुत कम करवाते हैं। मतलब साल में 4 मरीज नहीं होंगे मेरे जिनका मैं इंसुलिन या सी पेप्टाइड करवाता हूँ, सो वी एक्चुअली डोंट नीड इट। So these were lots of questions. Dr. Sanjeev Puri, okay. So diabetes, sugar, low glycemic index. I am not aware of this, Dr. Puri. Neera ji, koi idea? Low glycemic index sugar. Sir, generally हम glycemic index के हिसाब से foods को divide करते हैं. तो जहाँ हम certain foods हैं जिनका glycemic index high आता है. For example, हमको लगता है तरबूज का glycemic index कम होगा. तरबूज खा सकता है डायबिटिक मरीज, लेकिन तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो हाई होता है। तो जहाँ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं वहाँ पे हमको जो हाई कार्ब्स वाले फूड हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहेगा, तो वो हम जनरली अवॉइड करते हैं। तो वेन एवर आप डाइटिशियन से मिलते हैं तो आप बात करिए ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स की, तो सर्टन फूड्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई रहता है एंड डाइटिशियन जो है वो अवॉइड करती है इस तरीके से फूड लेने के लिए क्योंकि वो शुगर लेवल को हाई करते हैं। और यूजुअली ये जो मार्केटेड है कोई लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स शुगर या कुछ मार्केट कर रहे हैं या शुगर फ्री च्यवनप्राश, ज्यादातर गड़बड़ होती है। शुगर फ्री च्यवनप्राश आ गया दिमाग में, तो उसका बताता हूँ। च्यवनप्राश बाय डेफिनेशन घी में बनता है, हलवा बाय डेफिनेशन घी में बनता है, तो घी की तो है 9 कैलोरीज पर ग्राम, तो उसमें चीनी डालो चाहे ना डालो वो 9 कैलोरीज तो है ही है। तो
शुगर बिल्कुल ऐसे ना मतलब सातवें आसमान पे पहुंचती है, व्हेन यू टेक च्यवनप्राश या एनी घी वाली आइटम यानी हलवा। उससे अच्छा अगर आप लेना चाहें तो खीर ले सकते हैं, जो हिंदी शब्द है हलवा दैट इज बाय डेफिनेशन कुक्ड इन घी या बटर, जो खीर है दैट इज कुक्ड इन मिल्क। तो मिल्क तो वैसे भी नहीं हम मना कर रहे किसी को, तो एक फीकी खीर बनाई जा सकती है, उसमें चाहे चावल हो थोड़े बहुत, चाहे गाजर हो, लौकी हो, कुछ भी हो, तो एक खीर बना लें। एंड स्वीट के लिए जब आप उसको पका लेते हैं, गैस से उतार लेते हैं, तो फिर उसके बाद एक आध गोली आर्टिफिशियल स्वीटनर की डाल सकते हैं। स्टीविया के बारे में क्वेश्चन आ रहा है मिस आनंद से। स्टीविया, स्टीविया दैट इज मीठी तुलसी भी हम उसको कहते हैं हिंदी में आजकल, आप स्टीविया यूज कर सकते हैं। देन अगेन आई एम क्वेश्चन, आई एम मेरी तरफ से ये रहता है कि जितना हम शुगर किसी भी मीठा हम किसी भी, तो आप यूज कर सकते हैं स्टीविया, नो डाउट इट्स, बट एक या दो टैबलेट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं दिन भर में, तो यूज कर सकते हैं। एंड अगेन डॉक्टर नूर आगा सिंह, जैम एंड हनी हाउ मच कैन वी टेक? सर किसी भी फॉर्म में शुगर अगर हम लेकर देते हैं, जैगरी, हनी या शुगर, तो ये तीनों फॉर्म में ही आपका शुगर लेवल हाई जाएगा। अगेन वही होता है, हम च्यवनप्राश की भी बात करते हैं तो वो लोग उनका भी यही प्रमोटिंग होता है कि इसमें हनी है, बट अगेन द सेम थिंग कि शुगर लेवल कहीं ना कहीं हनी भी आपका राइज करेगा, तो हम ट्राई करें कि हम हनी को भी अवॉइड करें। सो पॉइंट वेल टेकन, एंड इतने सारे क्वेश्चंस आपने हैंडल किए। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, स्मिता सिन्हा जी पूछ रही है नॉर्मल ग्लूकोज की रेंज क्या होती है। तो स्मिता जी, फॉर अ नॉर्मल पर्सन फास्टिंग 100 से कम और खाने के बाद या रैंडम या दिन में जब मर्जी कराएं 140 से कम, मगर जब किसी को डायबिटीज हो तो हम जो टारगेट करते हैं वो डिपेंड करता है, जैसे प्रेगनेंसी हो इससे भी कम रखेंगे शुगर, अगर कोई बुजुर्ग महिला या आदमी हो तो हम बढ़ा भी सकते हैं टारगेट, बट फॉर एन एवरेज एडल्ट हम कोशिश करेंगे खाली पेट 100 के आसपास और खाने के बाद 140-180 के बीच में, दैट इज आवर टारगेट। With this, we like to thank you, Neera ji. आपने अपना कीमती समय दिया और वो इंदौर की जो स्वच्छता है वो अकेले सफाई में वातावरण में नहीं है, आपकी जुबान में, आपके बोल में, आपके अल्फाज में वो भी है और उससे पता चलता है आपकी सोच में भी है। So we'd like to thank you for being with us. Thank you so much. Can we show a certificate of appreciation to madam? Thank you so much, sir. तो रिक्वेस्ट करेंगे नाउ इंडिया, अफगानिस्तान, एवरीबॉडी लिसनिंग टू यू, संजीव पुरी जी कोकोनट गिरी का पूछ रहे हैं, लिमिट में ले सकते हैं, कोकोनट वाटर भी ले सकते हैं, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ पोटेशियम, गर्मियों में ले सकते हैं कभी कभी। तो नीरा जी, लास्ट कमेंट्स फ्रॉम योर साइड, सब ऑडियंस को, के मेड टॉक्स की फैमिली को क्या कहना चाहेंगे? सर स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मैं यही चाहूंगी कि जब भी आपके साथ कोई भी डायबिटिक पेशेंट अगर आपके संपर्क में आता है तो हमें उसे बहुत ही प्यार से हैंडल करना है, कहीं कुछ डराना नहीं है या ये नहीं बताना है, क्योंकि हम जब भी किसी डायबिटिक पेशेंट से मिलते हैं हमारे क्लिनिक में तो हमारा मेन मोटो रहता है कि हम इनकी डायबिटीज मैनेज करें। तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आप किसी पेशेंट से मिलते हैं या आपके संपर्क में कोई भी डायबिटिक पेशेंट आता है तो एज अ फैमिली मेंबर्स आप हमेशा उसका ध्यान रखें और आप अपना भी ध्यान रखें और एक्सरसाइज करें, और जब भी आप इंदौर आए तो पोहा जलेबी जरूर खा के जाइए। वो याद रहेगा एंड सर्टेनली मैं आऊंगा। इसके साथ आप सबसे इजाजत लेते हैं, के मेटॉक्स रोज होता है आपकी सेवा में हाजिर और मैं आपके पास होता हूँ हर सोमवार और वीरवार, एवरी मंडे एंड थर्सडे, और हमेशा हम एक अलग विषय पे बात करते हैं, वी टॉक अबाउट अ डिफरेंट टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ। के मेटॉक्स इसलिए चलता है क्योंकि आप सब हैं, एवरीबडी इज देयर एंड वी एक्चुअली फील लाइक फैमिली एंड टुगेदर वी आर एबल टू स्ट्रेंथन ईच अदर। तो ये तो डॉक्टर नूर भी मानेंगे, अफगानिस्तान में भी और इंडिया में भी 1+1 इज नॉट इक्वल टू 2, इट इज इक्वल टू 11। तो जब हम सब इकट्ठे होते हैं तो ये ताकत हम एक दूसरे को देते हैं। सो थैंक्स एवरीबडी फॉर बीइंग विद अस। अतुल, थैंक्स फॉर योर काइंड वर्ड, एंड आपके साथ फिर मैं आपके साथ आपको मिलूंगा अगले सोमवार एक डिफरेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद।